गाइस तो मैं आप जितिन जैक्सन या फिर आज हूँ एक नया ब्लॉग के साथ। तो आप गाइस आप तो स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज के दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा जो कि साल में एक बार पड़ती है, जो कि जिसे मतलब गुरु की सेवा के लिए दिन होता है उसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने इष्ट की मतलब अपने गुरुदेव की और परिवार की मतलब की सेवा करनी चाहिए। अपने अच्छे अच्छे मतलब जो भी आपने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उनको मतलब पुण्यतिथि होती है उसे कहते हैं। तो गाइस आज अपने गुरुजी से मिलेंगे और हमारे घर पर आज कथा होती है गुरु हर गुरु पूर्णिमा पे हमारे घर पर कथा होती है, कथा करेंगे और कन्या भोज करेंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी अच्छे मज़ेदार होने वाला है। आज मैं अपने सर से ही मिलाऊंगा। गाइस बने मेरे ब्लॉग में, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। कथा के लिए फूल तोड़ने के लिए देखो मैंने कितने बढ़िया बढ़िया फूल तोड़ लिए भगवान जी चढ़ाने के लिए। हमारी पूरी पूजा की तैयारियाँ हो चुकी हैं, मंदिर भी पूरा साफ हो चुका है, भगवान जी को नए कपड़े पहना दिए हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी देखो कितने आराम से बैठे हुए हैं, पूरा मंदिर सजा दिया है, ये सब सामान रख गया है, ये आम के पत्ते केले ये सब कुछ है, बहुत सारा सामान है सब कुछ। अभी महाराज जी का आने का इंतजार कर रहे हैं, जा चुके हैं, अब पूजा शुरू होगी हमारी, शुरू करें हमारी पूजा। हमारी कथा पूरी हो चुकी है, बोले श्री राधे श्री राधे। तो गाइस अब हमारे हो रहा है कन्या भोजन। किससे लेने के पीछे पड़ा हुआ है, हम लेने नहीं देंगे नहीं ले पाओगे, लेके दिखाओ ले ली कान पे बाय भाई। शाम के बज चुके हैं 6:30, जैसे मैंने आपसे कहा था 6:30 से मिलवाने चलते हैं, सर के आज दर्शन भी हो जाएंगे, काफ़ी दिनों से सर से मिला भी नहीं था, आपको ही मिलवाऊंगा, चलिए चलते हैं सर के पास बबीना, उन्होंने बुलाया 6:30 बजे, 6:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, नहीं तो 7 बजे तक पहुंच ही जाऊँगा, फिर चलते हैं सीधे सर के पास, सर के दर्शन करेंगे, सर के लिए बहुत सारी चीज़ें ले आनी भी है वो भी लेके चलते हैं। आओ तो पहले आज ये वाला लेके आया हमें से लिया। अरे यार हम लेंगे ना पहले तुम लोग। अरे यार तुम इतना तो नहीं पूरा जाने अच्छा है। चलो तो ये खाओ, मुंह मीठा करो, इससे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, ठीक है। ओए आ जाओ प्रसाद अपने हाथ से दे। ऑफिशियल टीम में मस्त बंदा है, आप भी ले लो। इस सर के पास से घर। थैंक्स जैक्सन। तो गाइस सर के पास से घर आ चुके थे, लेकिन आज गर्मी बहुत, दो दिन से बारिश नहीं हो रही तो गर्मी बहुत है, बादल आ रहे हैं काले काले,
गर्मी बहुत है गाइस, लेकिन मैं सॉरी चाहूँगा कि मैं दो दिन से मतलब संडे को वीडियो नहीं आ पाई मार्शल आर्ट की, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन अगले संडे पक्का वीडियो आएगी अच्छी। असर से मिलने गया तो काफ़ी बात हुई चैंपियनशिप के बारे में, बोल रहे हैं तुम्हारा नाम आया इंटरनेशनल के लिए, अगर जाना चाहो तो देखते हैं अगर नाम आया पैटिस, अगर मूड हुआ तो जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे, देखें अभी कुछ पता नहीं। अभी रात के बज चुके हैं 9, अभी खाना वाना खाएंगे, मिलते हैं आपसे। गाइस खाना पीना खा लिया है, अब ठहल रहे हैं बाहर क्योंकि गर्मी बहुत है और लाइट चली गई, इन्वर्टर चल रहा है, तो पापा भैया भाभी बेटी लोग लेटे हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा पंखा चलेंगे फिर इन्वर्टर बैठ जाएगा, इसलिए बाहर घूमने के लिए आ गया। अभी रात के बज चुके हैं 11। तो आई होप गाइस आज का आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कर देना, आप भी अपने गुरुजी के पास मिलने गए या नहीं गए, उनसे आशीर्वाद लिया नहीं लिया ये कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है गुरु बनाना और गुरु से आशीर्वाद लेना। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ, आज के लिए अलविदा, मैं आपको जितिन जैक्सन, जय हिंद जय भारत।